अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक और नए टूल के अबाउट, जो कि चैट जीपीटी बेस्ड है और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके डेली बेसिस के रूटीन्स के अंदर। अब चाहे आप SEO प्रोफेशनल हैं या फिर कंटेंट राइटर हैं या इसके साथ साथ आप कोई प्रोग्रामर हैं, तो ये एक्सटेंशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और डेडिकेटेडली आपके लिए वो काम करके देगी जो भी आप इसके साथ कहेंगे, राइट? तो अब रिसेंटली हमने देखा था कि बहुत सारे AI टूल्स आए थे, जैसे जैस्पर, क्लोजर कॉपी, वर्ड हीरो और इस तरह के बहुत सारे टूल्स आए थे जो कि बहुत सारे लोगों ने परचेज भी किए थे। और उसके अंदर बहुत सारी हमें जो है देखने को मिलता था कि ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिलती थी, उनको यूज़ करते हुए आप इजीली कंटेंट जनरेट कर सकते थे। अब चैट जीपीटी के अंदर हमें इस तरह का कोई ऑप्शन देखने को मिलता नहीं है कि हम कोई टेम्पलेट दें, जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट नज़र आती है। लेकिन इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने बहुत सारी अच्छे अच्छे टेम्पलेट शो होंगी और आप एग्जैक्टली वो काम मिनटों में, उस तरह से कमांड आप ना भी दें तो एग्जैक्टली एज इट इज़ जिस तरह से आप चाह रहे हैं उस तरह से आपके पास आउटपुट निकल के आ सकती है। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इस एक्सटेंशन को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, सिंपल आपने कुछ इस तरह से लिखना है AIPRM फॉर चैट GPT और सिंपल आप क्या करोगे, इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे यहाँ से, राइट? मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन लिखना चाहिए और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखें ये एक्सटेंशन अवेलेबल है, आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने उसी अकाउंट से जिसके ऊपर आपका चैट जीपीटी का अकाउंट बना हुआ है उससे इसको कनेक्ट कर देना है, राइट? कनेक्ट करने के बाद आप कुछ इस तरह से चैट जीपीटी के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखें आपको बहुत ज़्यादा एक न्यू इंटरफेस नज़र आ रहा है, राइट? और यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे टॉपिक, एक्टिविटी, सॉर्ट बाय और यहाँ पे सर्च। उसके साथ साथ यहाँ पे ये हैं पब्लिक प्रॉम्प्ट्स जो कि लोगों ने ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स बना के रखी हुई हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप अपना कुछ बनाना चाहें तो यहाँ से अपना टेम्पलेट बना सकते हैं और उसके सेटिंग्स अकॉर्डिंगली अपने मुताबिक सेट आउट कर सकते हैं, राइट? अभी क्योंकि हम अपना नहीं बनाने लगे इनको यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें मैं चूज़ करता हूँ टॉपिक कि मुझे SEO से रेलेवेंट कुछ चीज़ चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे देखें मैं कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहा हूँ, सेटअप करना चाह रहा हूँ उनको कीवर्ड क्लस्टर्स के अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। ओके, मैंने इसको सेट किया। अब यहाँ पे देखें ये कीवर्ड क्लस्टर्स और पूरी रिसर्च खुद करके दे देगा और आपको एक बहुत ज़्यादा टेबल्स फॉर्म के अंदर आपकी सारी चीज़ें आपको दे देगा और उसी कीवर्ड के अगेंस्ट। यहाँ पे देखें कीवर्ड क्लस्टर वो बना रहा है, कीवर्ड बना रहा है, उसका सर्च इंटेंट बता रहा है, टाइटल भी जनरेट करके दे रहे हैं, साथ साथ मेटा डिस्क्रिप्शन। जस्ट आपको इनको थोड़ा बहुत फ्यू चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंगली अगर आप करना चाहते हैं तो, और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये सारा काम हमें करके दे दिया, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, ये सारा कुछ जनरेट करता जा रहा है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और मैं यहाँ से ऐड न्यू पे जाके अब की बार मुझे क्या करवाना है इसे, मुझे एक पूरा आर्टिकल लिखवाना है, राइट? तो यहाँ पे देखें आउटरैंड रैंक आर्टिकल, तो यहाँ पे हम सिंपल अपने कंपेटिटर का URL देंगे और ये उसको देखते हुए उससे बेटर एक आर्टिकल आपको अच्छे तरीके से जनरेट करके देगा, लिख के देगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं लेट्स सपोज व्हाट इज CMS। तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास पहला लिंक आया और इसको मैं क्या कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद मैं इसको सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद ये मुझे एक ऐसा आर्टिकल लिख के देगा जो उस कंपेटिटर से बेटर होगा अकॉर्डिंग टू द चैट GPT, राइट? तो इस तरह से ये पूरा आर्टिकल सिर्फ वन गो के अंदर लिख के देगा, उसके अंदर हेडिंग, सब हेडिंग, जो कुछ भी इसे लगेगा वो इसके अंदर ऐड करके देगा। आप फिर इस पूरे आर्टिकल को उठा के इसको चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ एडिशन डिलीशन जो भी आपके टेस्ट के मुताबिक, जो आप उसमें गोल डालना चाह रहे हो कि ये चीज़ें मुझे इससे अचीव करवानी है, तो उस तरह से इसको अल्टर कर सकते हैं, राइट? तो ये हो गया। इसके साथ साथ अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और मैं एक और नई चैट लेता हूँ और यहाँ पे देखें अब की बार हम किसी नए टॉपिक के अंदर जाते हैं। लेट्स से मैं चला जाता हूँ मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और यहाँ पे देखें कॉपी राइटिंग के अंदर, तो उसकी टेम्पलेट्स यहाँ पे मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक, और लेट्स से यहाँ पे एक्टिविटी में कर देता हूँ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेट्स से, और यहाँ पे देखें ये भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। और मैं डिज़ाइन की तरफ जाता हूँ तो ये मेरे पास आ गया, अगर मैं अकाउंटिंग की तरफ जाता हूँ तो ये मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सारी टेम्पलेट्स अच्छे तरीके से आ गए। लेट्स सपोज मैं इसको यूज़ करता हूँ HTML एंड CSS हीरो, राइट HTML क्वेश्चन। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि आई नीड अ फंकी बटन विद ऑरेंज स्टाइल। तो मैंने इसको कहा, अब देखें ये मुझे क्या चीज़ लिख के देगा अकॉर्डिंग टू। अब ये टोटली जो बात करेगा वो सिर्फ CSS और HTML के अंदर बात करेगा, हमें इसे स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ेगी कि आप सिर्फ CSS लिखो या ये करो या वो करो। तो ये डायरेक्टली हमारी जो चीज़ें हैं उनको उसी तरह से यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसने बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें दे दी। तो यहाँ पे अलॉट ऑफ प्रॉम्प्ट्स मौजूद हैं, आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। जैसे जनरेटिव AI है, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें आ गई, मिडजर्नी, डाली 2, और ये लेट्स से आंसर लाइक अ ह्यूमन टॉपिक्स। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ हेलो हाउ आर यू, और इसने क्या किया उसी तरह से जनरेट कर दिया। अच्छा मुझे नहीं पता कि इसको किस लिए यूज़ करना है, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं और ChatGPT से मैक्सिमाइज फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ टाइम तक पहुँचती रहें।